हेलो एवरीवन आई वेलकम यू ऑल टू स्टडी नीति तो आज के सेशन में हम लोग करेंगे एक बहुत ही अच्छे लेवल की डेटा इंटरप्रिटेशन सिंस हमारी मेंस की क्लासेस रिज्यूम हो चुकी हैं एंड हम ऑलरेडी पजल का एक सेशन कर चुके हैं तो आज के सेशन में हम लोग एक हाई लेवल डेटा इंटरप्रिटेशन करने वाले हैं तो यहाँ पे मैं आपको क्वेश्चन शो कर देती हूँ क्वेश्चन का बेसिक क्या है इससे आप डेटा अपना एक्सट्रैक्ट कर लीजिए स्क्रीन लेके एंड uh, मैं आपको क्वेश्चन हिंदी में भी डिस्प्ले कर दूंगी तो जितना डाटा आप निकाल सकते हो यहाँ से उतना डाटा आप एक्सट्रैक्ट कर लोगे तो दिस क्वेश्चन इज आल्सो अवेलेबल इन हिंदी uh, आप इसको स्क्रीनशॉट लेके डाटा निकाल लो फिर हम लोग आगे वाले क्वेश्चंस जो हैं वो शुरू करेंगे सो आई होप अभी तक आपने स्क्रीन ले लिया होगा एंड लेटअ स्टार्ट कि उसने कहा क्या है क्वेश्चन में देखो यहाँ पे उसने बोला है कि देयर आर फाइव क्यूबॉयड्स क्यूबॉयड्स हैं हमारे पास पाँच स्टैक्ड बार ग्राफ बिलो शोज द रेशो ऑफ लेंथ विड्थ एंड हाइट मतलब ये जो हमें uh, दिया हुआ है ना बार ग्राफ इसमें रेशो बताया गया है लेंथ हमारी ये है विड्थ हमारी ये है हाइट हमारी ये है जितने पॉइंट्स हम यहाँ से काउंट करते जाएंगे ना उसको हम रेशो में लगाते जाएंगे एग्जाम्पल भी दिया उसने लेंथ विड्थ और हाइट ए की एट फोर और थ्री रिस्पेक्टिवली है देखो कैसे गिना इसने फाइव के ऊपर सिक्स सेवन एट पे खत्म हो रहा है ना तो ये एट हो गया फिर वन से काउंट करना है वन टू थ्री फोर पे खत्म हो गया फिर ये वन टू थ्री थ्री पे खत्म हुआ ना तो इसका रेशो कितना बन जाएगा रेशो, रेशो, 3, इस हिसाब से सारे के सारे रेशो हमने निकाल लेने हैं ठीक है ठीके? पाई चार्ट जो है वो हमें क्या बताता है डिग्री में बताता है टोटल सरफेस एरिया छ क्यूबॉइट का मतलब ये जो है हमें डिग्री में दिया हुआ है आई होप आप इस वाली फिगर से फेमिलियर होंगे कुछ ना कुछ आपने कभी ना कभी ऐसी देखी होगी और सम ऑफ टोटल सरफेस एरिया हमारा का कितना है ट्वेंटी मतलब ये जो हमारी डिस्ट्रीब्यूशन है ये ये किसके बीच में है 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 टोटल सरफेस एरिया की हमारी जो डिस्ट्रीब्यूशन है, है. क्लियर समझ में आ गया अब सिंस आप सबको पता चल गया ये किस टाइप की है मेन्जूरेशन की है तो यहाँ पे आपको फॉर्मुलाज आने बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और क्योंकि ये बेसिक फॉर्मूलाज होते हैं क्यूब क्यूबॉइड रेक्टेंगल ट्रायंगल और सिलेंडर वगैरह के ये बेसिक से होते हैं तो इतने आपको आने भी चाहिए इफ यू आर गोइंग फॉर द मेंस एग्जामिनेशन तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग रेशोज लिख लेते हैं किसका लेंथ विड्थ और हाइट का ए का ऑलरेडी हमें गिवन था कितना एट इज टू फोर इज टू थ्री क्वेश्चन में गिवन ही था उसने करके बताया हुआ था सिमिलरली हम लोग बी सी डी और ई e का निकाल लेंगे तो यहां से देखो तो कितने पॉइंट है वन टू थ्री फोर है फिर वन टू थ्री फोर हो गए और ये कितना हो गया वन तो ये कितना आ जाएगा फोर रेशो फोर रेशो वन इधर से देखेंगे तो ये सिक्स पॉइंट्स हो गए यहाँ से कितने पॉइंट्स हुए फाइव पॉइंट्स हो गए और ये ऊपर वाले वन टू थ्री एंड फोर कितना आ गया सिक्स रेशो फाइव रेशो फोर सिमिलरली इसका देखेंगे तो फोर वन टू एंड थ्री एंड टू फोर इज टू थ्री इज टू टू और इधर से देख लेते हैं टेन ये फाइव और टू तो सेवन और ये ऊपर कितना हो जाएगा 4. तो कितना आ गया 10 is 7 is 4. Clear? अब पे पे हमें 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 क्या है है कितना था चौबीस हजार सेंटीमीटर स्क्वायर और ये डिग्रीज में गिवन है तो अगर आपको किसी भी पोर्शन का निकालना है टोटल सरफेस एरिया तो आप डिग्री वाला जब भी क्वेश्चन आ जाए तो जितनी डिग्री दी गई होती है उसको आप थ्री सिक्सटी से डिवाइड करते हो अगर परसेंटेज में लाना होता है तो हंड्रेड से डिवाइड करोगे परसेंटेज आ जाएगा अगर आपको कुछ गिवन है तो ये हंड्रेड की जगह आप सीधा इसको रख दो आपका ये वाला पार्ट का वैल्यू आ जाएगा है ना परसेंटेज में करने की जरूरत नहीं है ना फॉर एग्जाम्पल हम सबसे पहले ए का करते हैं तो आपको थोड़ी सी ज्यादा क्लैरिटी मिलेगी हमारे पास टोटल सर्फेस एरिया होता कितना है टू लेंथ इन टू प्लस हाइट प्लस हाइट लेंथ यही होती है बराबर कितनी है हमारे पास फिफ्टी वन डिग्री डिवाइडेड बाय थ्री सिक्सटी इंटू ट्वेंटी फोर थाउजेंड ये हमने क्यों किया हमने इस पार्ट की वैल्यू निकालने के लिए किया इधर से इसको कैंसिल करेंगे तो ट्वेल्व और दो सौ हो जाएगा ये तीन हो जाएगा इसको करेंगे तो ये सेवनटीन और टू से करेंगे तो ये हंड्रेड हो जाएगा क्लियर लेंथ इंटू विथ रेशो में है तो हम लोग इसको एक्स की टर्म्स में कन्वर्ट कर सकते हैं एट एक्स इंटू फोर एक्स प्लस फोर एक्स इंटू थ्री एक्स प्लस थ्री एक्स इंटू एट एक्स इक्वल्स टू हंड्रेड थर्टी टू थर्टी टू एक्सक्वायर प्लस ट्वेल्व एक्सक्वायर प्लस ट्वेंटी कितना सत्रह सौ चार पे गया एक्सक्वायर की वैल्यू पच्चीस आई एक्स की वैल्यू सिंस हमें पॉजिटिव चाहिए तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी फाइव यहां पे हमने एट एक्स माना था फोर एक्स माना था थ्री एक्स माना था है ना तो आपके पास लेंथ कितनी आ गई फोर्टी विड्थ कितनी आ गई सिक्सटीन नहीं ट्वेंटी और हाइट कितनी आ गई फिफ्टीन सिमिलरली मैं आपको यहाँ पे बी का करके दिखाऊंगी बाकी आप लोग खुद से करेंगे सारा सारे के सारा डेटा एक्सट्रैक्ट आप खुद से करोगे बी का हमने रेशो कितना लिया था फोर इज टू फोर इज टू वन तो फोर एक्स इंटू फोर एक्स प्लस फोर एक्स इंटू एक्स प्लस एक्स इंटू फोर एक्स ये टोटल सरफेस एरिया निकला और उधर से क्वेश्चन में वो बोलता है कि सेवेंटी टू डिग्रीज है तो हमारे पास टोटल सर्फेस एरिया कितना आ गया इतना आ गया ये मैंने ऑलरेडी कर दिया था है ट्वेंटी फोर और इधर से टू कैंसिल के ये हो जाएगा हंड्रेड क्लियर तो ये सिक्सटीन एक्स स्क्स एक्स कितना हो जाएगा कितना हो जाएगा ट्वेंटी प्लस फोर एक्स स्क्वायर ट्वेंटी फोर एक्स किसके बराबर आ गया ट्वेंटी फोर हंड्रेड के तो x की वैल्यू कितनी आ गई टेन आ गई अगर x की वैल्यू टेन है तो हमारे पास फोर्टी फोर्टी एंड टेन समझ में आ गया आपको सिमिलरली सी डी और ई e का आप खुद करोगे खुद से डेटा निकालोगे तभी आपको समझ में आएगा बाकी आगे मैं आपको इसका पूरा डेटा एक्सट्रैक्ट किया हुआ दिखा देती हूँ सो दिस इज द फाइनल डेटा जो आपका एक्सट्रैक्ट हो जाएगा लेंथ विड्थ और हाइट का सो so आप अपना होमवर्क अच्छे से कर लेना अच्छे से सारी वैल्यूज निकाल लेना अब सीधा हम लोग क्वेश्चन पे ही आते हैं ताकि क्वेश्चन जल्दी जल्दी से कंप्लीट हो जाए वट वट इज द डिफरेंस बिटवीन द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर सिलेंडर की वॉल्यूम क्या होती है सिलेंडर की वॉल्यूम क्या होती है पाई आर स्क्वायर r2h हुज बेस रेडियस एंड हाइट इज इक्वल टू द विड्थ एंड हाइट ऑफ क्यूबोइड ए क्यूबोइड ए की विड्थ और हाइट कितनी है 20 एंड 15 कितनी है 20 एंड 15 करेक्ट तो दैट मींस हमारे पास रेडियस कितना आ गया 20 और हाइट कितनी आ गई फिफ्टीन एंड वॉल्यूम ऑफ कोन कितनी होती है वन बाई थ्री पाई आर स्क्वा एच रेडियस एंड हाइट इज इक्वल टू द लेंथ एंड हाइट ऑफ क्यूबॉडे लेंथ और हाइट मतलब फोर्टी और फिफ्टीन तो इसका हो जाएगा फोर्टी इसका हो जाएगा फिफ्टीन हमें निकालना क्या है इन दोनों की वॉल्यूम का डिफरेंस निकालना है क्लियर सबसे पहले हम लोग किसकी लेंगे सिलेंडर की वॉल्यूम और क्योंकि आप आंसर में अगर देखोगे तो पाई में है दैट मींस आपको पाई की वैल्यू सब्सटीट्यूट यहां पे नहीं करनी है सिलेंडर की वॉल्यूम कितनी होती है पाई आर स्क्वायर एच है ना इधर से कितनी आ जाएगी पाई आर स्क्वायर आपके पास कितना है ट्वेंटी का स्क्वायर इंटू एच आपके पास कितना है फिफ्टीन यही है आपके पास क्लियर और अगर मैं इधर से देखू कौन की तो आपके पास वन बाई थ्री पाई आर स्क्वायर एच है जिसमें से वन बाई थ्री पाई आप एज इट इज लिखोगे और आर स्क्वायर मतलब फोर्टी का स्क्वायर इंटू एच क्लियर यहां तक सबको क्लियर है तो अगर आप देखो आपको वॉल्यूम का डिफरेंस निकालना है दैट मीन्स आप क्या करोगे पाई आर स्क्वायर एच माइनस वन बाई थ्री पाई आर स्क्वायर एच यही है क्लियर यहां तक सब सही है अगर आप देखोगे तो इस फोर्टी को मैं ट्वेंटी इंटू ट्वेंटी इंटू फोर कितना लिख सकती हूँ ट्वेंटी इंटू ट्वेंटी इंटू फोर भी लिख सकती हूँ लिख सकती हूँ या नहीं लिख सकती लिख सकती हूँ तो अगर आप कॉमन निकालोगे तो आपका पाई भी कॉमन आ गया फिफ्टीन भी कॉमन आ गया ट्वेंटी का स्क्वायर भी कॉमन आ गया बचा क्या पीछे वन माइनस वन बाई थ्री इंटू फोर बचा गया यहाँ पे वन माइनस वन बाई थ्री इंटू फोर तो इधर से देखोगे तो ट्वेंटी का स्क्वायर आपके पास कितना होता है फोर हंड्रेड फोर हंड्रेड इंटू फिफ्टीन आपके पास कितना होता है छः हजार कितना होता है छः हजार पाई आ जाएगा इधर से इसको सोल्व कर लेते हैं तो ये कितना आ जाएगा माइनस वन बाय थ्री ना हमें डिफरेंस पॉजिटिव चाहिए जरूरी नहीं है कि यही बड़ा हो हमने जस्ट अज्यूम करके इसको पहले ले लिया डिफरेंस का मतलब डिफरेंस ही तो यहाँ पे माइनस लगाने की कोई भी जरूरत नहीं है ठीक है दैट शुड बी तो आपका आंसर यहाँ पे कितना आ जाता है डिफरेंस आपका कितना आ जाता है टू थाउजेंड पाइव दैट मीन ऑप्शन नंबर सी विल बी योर आंसर आई होप यहां तक आपको सब क्लियर हो गया होगा नेक्स्ट पे चलते हैं इफ क्यू सी एंड ई आर सॉलिड दीज टू क्यूबॉइड्स आर मेल्टेड एंड एट्टी एट परसेंट इनकी वॉल्यूम का किसमें कास्ट हो जाता है हेमिसफेयर में देन वॉट इज द टोटल सर्फेस एरिया ऑफ देट हेमिसफेयर हेमिसफेयर का टोटल सर्फेस एरिया हमारे पास कितना हो जाता है सबसे पहले यहाँ पे देखो उसने क्यूबॉइड्स किसके बारे में बात की है सी और ई के बारे में बात की है, C e बात की है. है ना सी और ई e क्यूबॉइड्स के बारे में बात की है जिसको हम लोग मेल्ट करके किस में डालते हैं में और अगर आप यहां ध्यान दोगे तो इसने टोटल वॉल्यूम का जिक्र किया है मतलब डेफिनेटली आपको इनकी टोटल वॉल्यूम्स तो पता होनी चाहिए आपको सी और ई e की वॉल्यूम्स तो पता होनी चाहिए ना तभी आप उसको कास्ट करके हेमिसफेयर में डाल पाओगे समझ में आ रही है क्योंकि अगर कोई क्यूबॉइड की वॉल्यूम कुछ है वही उसको हम सेम हेमस्फेयर में डाल देंगे तो दैट शुड बी कन्वर्टेड इन टर्म्स ऑफ द वॉल्यूम क्लियर अगर मैं इधर से वॉल्यूम निकालूंगी क्यूबॉइड सी की वेट फॉर अ सेकेंड क्यूबॉइड सी की वॉल्यूम तो कितनी आ जाएगी लेंथ इनटू टू इनटू इंटू हाइट सी की निकाल लो थर्टी इंटू ट्वेंटी सिक्स हंड्रेड इंटू ट्वेंटी फाइव कितना आ जाएगा पंद्रह हजार अगर मैं क्यूबॉइड ई e की निकालना चाहूं तो मेरे पास लेंथ इंटू वेटू हाइट कितना आ फिफ्टी इंटू ट्वेंटी थर्टी फाइव थाउजेंड और उसने बोला है कि दोनों को मिक्स करके दोनों की वॉल्यूम का एट्टी एट परसेंट कास्ट किया जाता है में। मतलब दोनों की वॉल्यूम का क्या करना है हमें एट्टी एट परसेंट करना दोनों की वॉल्यूम का क्या करना है एट्टी एट परसेंट करना है अगर हमने इन दोनों की वॉल्यूम ली है ना तो वो किसकी वॉल्यूम के बराबर आएगी किसकी वॉल्यूम के बराबर आएगी हेमिसफेयर की कोई भी चीज अगर किसी भी चीज में कास्ट होती है तो उन दोनों की वॉल्यूम सेम होती है अगर मैं क्यूबॉयड की वॉल्यूम लूंगी तो यहाँ पे एट्टी एट परसेंट आपको किसका लेना पड़ेगा फिफ्टीन थाउजेंड प्लस थर्टी फाइव थाउजेंड दैट मीनस आपको फिफ्टी थाउजेंड का एट्टी एट परसेंट लेना पड़ेगा यही लेना पड़ेगा आपको तो एट फाइव फोर्टी आपके पास कितना आ जाएगा एट्टी एट परसेंट फोर्टी फोर थाउजेंड दैट मीन ये जो हमारे पास वॉल्यूम निकली है ये किसकी वॉल्यूम होगी हेमिसफेयर की क्योंकि मैंने आपको बताया कि अगर किसी भी चीज को दूसरी चीज में हम लोग कास्ट करते हैं तो दोनों की वॉल्यूम क्या होती है सेम होती है सिंस हमें यहाँ पे सरफेस एरिया निकालना है और उसके लिए हमें रेडियस भी चाहिए तो रेडियस हमारे पास नहीं है लेकिन वॉल्यूम है यहां से हम लोग रेडियस निकाल सकते हैं हेमस्फेयर uh, की वॉल्यूम क्या होती है पाई आर स्क्वायर यही होती है तो टू बाई थ्री पाई उन्होंने बोला कि आपको कैसे यूज करना है टू पॉइंट एट की फॉर्म में क्वेश्चन में गिवन है यहाँ पे अच्छा रूट ट्वेंटी वन बोला सॉरी पाई आपको ट्वेंटी टू बाई सेवन बोला है इन टू आर स्क्वायर आपको पता नहीं है इक्वल टू फोर्टी फोर थाउजेंड तो इधर से फोर्टी फोर कैंसल आउट हो जाएगा आर स्क्वायर कितना आ जाएगा सॉरी आर क्यूब वॉल्यूम क्यूब में होती है ना सॉरी सॉरी आर क्यूब आर क्यूब आपके पास कितना आ जाएगा थाउजेंड इंटू ट्वेंटी वन तो थाउजेंड का अगर मैं यहाँ पे क्यूब रूट लूंगी तो आपके पास टेन आएगा और ट्वेंटी वन का रूट उन्होंने ऑलरेडी आपको क्वेश्चन में दिया टू पॉइंट एट तो आपके पास रेडियस कितना आ जाएगा का ट्वेंटी एट अब आपको निकालना क्या है यहाँ पे टोटल सरफेस एरिया अगर मैं टोटल सरफेस एरिया लूँगी का तो मेरा टोटल सरफेस एरिया कितना होता है थ्री पाई आर स्क्वायर है ना थ्री इंटू पाई इंटू आर स्क्वायर दिस वन शुड बी फोर तो ये हो जाएगा फोर इंटू थ्री ट्वेल्व ट्वेंटी एट इंटू ट्वेंटी टू करेंगे तो देखो फिफ्टी सिक्स इंटू फिफ्टी सिक्स लिख सकते हैं सिक्स वन सिक्स लिख सकते हैं क्लियर तो ये हो जाएगा सिक्स वन सिक्स जीरो प्लस सिक्स वन सिक्स इंटू टू कितना हो जाएगा सेवन थ्री Nine, कितना हो जाएगा सेवन थ्री नाइन टू मैंने क्या किया है सिक्स वन सिक्स इन टू टेन किया है मैंने ट्वेल्व को बाय करके टेन प्लस टू की फॉर्म में लिख दिया ऐसे किया है. तो योर आंसर विल बी सेवन थ्री नाइन टू अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे इफ द क्यूबॉइड ई इज फिल्ड विद वॉटर अप टू हाइट सिक्सटीन पॉइंट एट सेंटीमीटर वॉटर यहां तक भरा गया है इतनी हाइट तक एंड अ सॉलिड सिलेंडर इज पुट इनसाइड दिस क्यूबॉइड उसी क्यूबॉइड के अंदर हम लोग एक सिलेंडर को डाल देते हैं इन वे कि वो पानी में पूरा का पूरा का डूब जाता है। सेवन मतलब और हाइट हमारे पास कितनी है ट्वेंटी फाइव देन वॉट इज हाइट ऑफ वॉटर इन द क्यूबॉइड ई आफ्टर द सिलेंडर इज द मस्ट अब देखो अगर आपका कोई भी आ, जैसे आप यहाँ पे कोई भी चीज ले लो एक ग्लास ऑफ वाटर ले लो या जिस अः चीज से हम लोग नहाते हैं कोई मग होता है वो ले लो अब उसके अंदर आप अगर कोई भी सबस्टांस डालोगे पहले पानी का लेवल इतना है आपने उसमें एक बॉल गेर दी तो डेफिनेटली पानी का लेवल ऊपर आ जाएगा ना पानी का लेवल ऊपर आता है ना तो उसने यही बोला है कि जब हमने इसको अंदर डाल दिया सिलेंडर को अंदर डाल दिया तो अब बताओ इसकी हाइट कितनी हो गई वाटर की हाइट कितनी होगी मतलब कितने लेवल तक वाटर जो है वो ग्लास में भरा पड़ा है क्या आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया आई होप द क्वेश्चन इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू अब यहाँ पे अगर मैं बात करूंगी, अब देखो अगर कोई सब्सटेंस पानी के अंदर गई है उससे पानी का लेवल बढ़ा है इस सब्सटेंस का कोई भार होगा, क्या होगा कुछ वॉल्यूम होगा डेफिनेटली हमें वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर चाहिए रहेगा वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर चाहिए होगा ना हमें कितना होता है पाई आर 7 into 7 into 7 into 25. इतना तो हमारे पास ऑलरेडी था 22 25, 550 7. 3850 हो जाएगा ठीक है अब वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर तो हमने निकाल लिया लेकिन ये गया किसके अंदर है क्यूबॉइड के अंदर गया ना तो क्यूबॉइड की भी तो हमें क्या निकालनी है अगर हमें लेवल ऑफ वाटर निकालना है इसका दैट मीन हम लोग इसकी हाइट को मेजर कर रहे हैं और अगर हम लोग इसकी हाइट को मेजर कर रहे हैं हाइट हमारे पास नई वाली नहीं है हमारे पास पुरानी हाइट है पानी की हमारे पास नई वाली हाइट नहीं है अगर हमें नई वाली हाइट निकालनी है तो वो हम लोग वॉल्यूम से ही निकाल पाएंगे क्यों निकाल पाएंगे उसका मैं आपको रीजन यहाँ पे देती हूँ हम लोग यहाँ पे कोई सरफेस एरिया तो कवर नहीं कर रहे हैं ना हम लोग यहाँ पे कोई सरफेस एरिया तो कवर नहीं कर रहे ना, हम लोग एक दूसरे का भार देख रहे हैं इसके अंदर कितना पानी भरा जाएगा वॉल्यूम निकालेंगे ना तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड कितनी हो जाएगी या फिर मैं कहूं कि जो भरा हुआ हमारे पास क्यूबॉयड है उसकी वॉल्यूम कितनी होगी लेंथ कितनी थी हमारे पास लेंथ तो चेंज नहीं होगी ना ये विड्थ भी चेंज नहीं होगी लेंथ और विथ कांस्टेंट है हाइट हमें देखनी है दैट मींस 50 इंटू थर्टी फाइव इंटू हमें हाइट नहीं पता और क्योंकि हमें इंक्रीमेंट निकालना है तो हमने क्यूबॉयड के अंदर डाला सिलेंडर को सिलेंडर की वॉल्यूम ऊपर आएगी क्यूबॉयड की वॉल्यूम नीचे आएगी इंक्रीमेंट हमारे पास आ जाएगा ठीक है इसको इससे काटेंगे तो इलेवन हो जाएगा अच्छा हाइट तो हमें निकालनी है ना मतलब इंक्रीमेंट हमें निकालना है तो इसको यहां से गायब कर दो ठीक है समझ में आ गई ये हाइट हमें निकालनी है ना लेकिन ये तो हमारे पास फिक्स्ड है ना तो नीचे हमारे पास क्यूबोइड का जितना डेटा है वो आ जाएगा उससे इंक्रीमेंट आ जाएगा और ये सेंस हमारे फिक्स्ड है इसलिए इसको हमने डिवाइड में किया एक और रीजन देती हूँ कि हमने अगर किसी सब्सटेंस को इसके अंदर डाला है तो ये जो है इसके बेस के पैरेलल बढ़ेगा लेवल आपके बेस के पैरेलल में बढ़ेगा ना जो आपकी हाइट बढ़ रही है वो बेस के पैरल में बढ़ रही है ना और बेस आपके पास कितना होता है लेंथ से तो होता है यही तो मैंने लिखा है कितना आ जाएगा टू पॉइंट टू सेंटीमीटर दैट मीन्स आपके पास इंक्रीज हाइट कितनी आ गई अब सिक्सटीन पॉइंट एट प्लस टू पॉइंट टू दैट मीन्स नाइनटीन सेंटीमीटर ऑप्शन नंबर सी नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं इसने क्वेश्चन में क्या बोला है कि एम नंबर ऑफ क्यूबॉइडल बॉक्सेस को जिनकी डायमेंशन ये ये है उसको बी के अंदर रखना है और एन क्यूबॉइडल बॉक्सेस को हमें किसके अंदर रखना है सी के अंदर रखना है तो एम और एन की हमें क्या बतानी है वैल्यू बतानी है अब देखो किसी भी चीज को किसी भी चीज के अंदर रखेंगे तो हमें उसकी क्या पता होनी चाहिए वॉल्यूम पिछले क्वेश्चन में भी देखा था हमने तो अगर हमें एम नंबर ऑफ क्यूबॉइडल बॉक्सेस को रखना है किसके अंदर बी के अंदर तो दोनों की वॉल्यूम हमें पता होनी चाहिए है ना अगर मैं एम नंबर ऑफ बॉक्सेस की देखूंगी तो एम नंबर ऑफ बॉक्सेस हैं उसकी है कितनी है फोर इन टू फाइव इंटू टू और अगर मुझे बी की देखनी है तो बी की डायमेंशन कितनी है फोर्टी एंड टेन कितनी है सिक्सटीन थाउजेंड ठीक है अगर इसकी वॉल्यूम है और इसकी वॉल्यूम है इसकी वॉल्यूम है और इसकी वॉल्यूम है तो हम लोग इसको कैसे निकालते हैं कैसे निकालेंगे दोनों के डायमेंशन को ऊपर नीचे रख सकते हैं ये हमारे पास एक बॉक्स की आई है अगर मैं एक बॉक्स की बात करूं तो इतनी है टोटल की बात करूँ तो इतनी है हमें इस सोलह हजार के अंदर इन सारे बॉक्सेस को फिट करना है मतलब हमें जो बड़ा वाला क्यूबोयड है बी उसके नीचे हर एक बॉक्स को रखना पड़ेगा दैट मीन्स जो इसकी वॉल्यूम है सिक्सटीन थाउजेंड उसके नीचे हर एक बॉक्स की वॉल्यूम को रखना पड़ेगा तभी तो हम लोग नंबर ऑफ आइटम्स निकालते हैं ना अगर मेरे पास वॉल्यूम है एक की और मेरे पास वॉल्यूम है पूरे डब्बे की जबकि यहाँ पे एक की जगह बहुत सारे डब्बे आ सकते हैं एम डब्बे एक की वॉल्यूम इक्वल्स टू बी की वॉल्यूम होगी ना एक को कितने से मल्टीप्लाई करें कि ये इसके बराबर बन जाए दोनों की वॉल्यूम भी तो सेम होनी चाहिए ना दोनों का भार भी तो सेम होना चाहिए तो एक, एक डब्बे की वॉल्यूम हमारे पास इतनी थी क्या आप लोग नंबर ऑफ बॉक्सेस निकाल सकते हो ये टेन हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा फोर हंड्रेड सिमिलरली मैं किसकी निकालूंगी एन की देख लेते हैं एक डब्बे की वॉल्यूम हमारे पास कितनी है सिक्स इंटू फाइव इंटू वन और C की वॉल्यूम हमारे पास कितनी है थर्टी इंटू ट्वेंटी एन का आपको एडिशन चाहिए था फोर हंड्रेड प्लस फाइव हंड्रेड इक्वल टू नाइन हंड्रेड आई होप ये क्वेश्चन भी अच्छे से क्लियर होगा मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन डी एंड ई सॉलिड डी और ई सॉलिड है आ रहेगा क्यूबॉइड डी इज मेल्टेड एंड फिफ्टी पॉइंट फोर वॉल्यूम इज यूज टू कास्ट एम नंबर ऑफ कोस रेडियस फोर्टीन एंड हाइट थ्री यहाँ पे वॉल्यूम का यूज हुआ है किसी भी चीज को किसी भी चीज में तब्दील किया जाता है तो उसकी हम लोग क्या लेते हैं वॉल्यूम दैट मीन्स आपको सबसे पहले डी की वॉल्यूम चाहिए होगी डी की वॉल्यूम कितनी है फोर्टी इंटू थर्टी इंटू ट्वेंटी कितनी है ट्वेंटी फोर थाउजेंड। ट्वेंटी फोर थाउजेंड का फिफ्टीन पॉइंट फोर परसेंट कितना फिफ्टीन पॉइंट फोर परसेंट नंबर ऑफ में कास्ट किया जाता है मतलब हमें कोन की भी वॉल्यूम चाहिए वो किसकी वॉल्यूम बराबर होगी दोनों की वॉल्यूम सेम होगी ना डी की वॉल्यूम की बात करूं तो ट्वेंटी फोर इंटू वन फिफ्टी फोर है और कोन की वैल्यू वॉल्यूम कितनी होती है, है? है. तो पाई यहां पे उसने बोला है कि एम नंबर ऑफ कॉन्स उसने बनाए टोटल एम नंबर ऑफ कॉन्स है ना एम की वैल्यू निकालनी है तो यहां से इसकी अगर मैं थोड़ा सा इसको काटना शुरू करूं तो फिफ्टीन और ये इलेवन पे चला जाएगा और ये ट्वेल्व पे चला जाएगा है ना ये टू पे जाएगा और ये सिक्स पे जाएगा तो M की वैल्यू कितनी आ गई सिक्स सिमिलरली जो भी हमारे पास ई e की वॉल्यूम है वो किसके बराबर होगी एन नंबर ऑफ कोन्स की वॉल्यूम के बराबर ई e की वॉल्यूम कितनी है फिफ्टी इंटू थर्टी फाइव इंटू ट्वेंटी ये कितना हो जाएगा हंड्रेड इंटू फिफ्टी कितना हो जाएगा थर्टी फाइव थाउजेंड इक्वल्स टू एन इंटू वन बाई थ्री इन टू पाई आर स्क्वायर हमारे पास कितना है ये सेवन है ये ट्वेंटी वन है क्लियर ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा और सेवन और ये फाइव थाउजेंड बन जाएगा एंड कितना हो जाएगा ये सेवन तो एन हमारे पास कितना आ जाता है अच्छा hmm. सिलेंडर्स है सॉरी 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 एंड क्यूबॉइड ई इज मेल्टेड एंड 83.16 परसेंट ऑफ द वॉल्यूम इज यूज टू कास्ट एन नंबर ऑफ सिलेंडर्स मैंने कॉन्स ले लिए ना आई डेंट रीड द क्वेश्चन अच्छे से तो यहाँ पे कॉन्स नहीं है यहाँ पे सिलेंडर्स हैं और ई e की वॉल्यूम हमारे पास कितनी है एट्टी एटी 83 तो 83.16 ऑफ वॉल्यूम ऑफ ई जो है वो किसके बराबर होगी एन नंबर ऑफ सिलेंडर की वॉल्यूम के बराबर, एन नंबर ऑफ सिलेंडर की वॉल्यूम के बराबर 83.16 परसेंट, e ई की वॉल्यूम कितनी है हमारे पास 35,000 हमने अभी देखी थी पहले, एन नंबर ऑफ सिलेंडर की कितनी होती है पाई आर स्क्वायर हेच, क्लियर यहां तक सबको, ओके, okay. तो ये हो जाएगा सेवन एंड सेवन फाइव और किससे काट सकते हैं इलेवन से इसको काट सकते हैं इलेवन सेवन हजार सेवन हो जाएगा तो सिक्स फाइव हजार एंड सिक्स हजार ये टू बच जाएगा यहाँ पे एंड हमारे पास कितना है फोर्टी टू है तो फोर्टी टू वन हजार फोर्टी टू एंड कितना बचेगा थ्री थर्टी सिक्स थ्री थर्टी सिक्स बचेगा तो इट शुड बी फोर्टी टू था ना हमारे पास तो ये एट पे जाना चाहिए ना एटीन आई होप ये ऐसा ही कट जाना चाहिए ये एक जीरो और आएगी है ना तो आपके पास एन किस एन की वैल्यू किसके बराबर आ गई? एटीन टू फाइव डिवाइडेड बाय टेन ठीक है ये हमारे पास कितना हो जाएगा नाइन तो एम इज टू एन का रेशियो निकालना सिक्स इज टू नाइन का कितना आएगा टू इज टू थ्री ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर बन जाएगा आई होप आज का क्वेश्चन आपने अच्छे से किया होगा अच्छे से सीखा होगा एंड सभी टॉपिक्स के क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे कवर करने की कोशिश करेंगे टिल देन स्टेट गुड लक एंड स्टे हैप्पी